आज हम बात करेंगे एक ऐसी बीमारी की जिसे आम भाषा में पीलिया जॉन्डिस कहा जाता है। ये क्यों होता है? हालांकि ये होने पे लोग डर जाते हैं कि अब उसका ट्रीटमेंट कैसे होगा, क्या करेंगे, झाड़ फूँक दिलाएं या कुछ और उपाय भी है। तो आज बात करते हैं कि इसका कारण क्या है। इन एनी केस अगर किसी को जॉन्डिस हो जाता है तो उसके लिए क्या करना चाहिए और क्या प्रिकॉशंस हम ले सकते हैं कि जॉन्डिस जैसी प्रॉब्लम हमें हो ही ना। नमस्कार दोस्तों, जय गो माता, वंदे मातरम, ज्योतिर्मय गोमृत सेवा संस्थान से डॉक्टर निशा भारद्वाज। जिसका आज हम जिस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं वो है जॉन्डिस। हालांकि जॉन्डिस एक बीमारी है ही नहीं। आपको भी शॉक लग रहा होगा सुन के कि इतनी बड़ी बीमारी को हम कह रहे हैं कि बीमारी ही नहीं है। जी हाँ, जॉन्डिस एक बीमारी नहीं है, ये एक इंडिकेशन है, एक संकेत दे रहा होता है शरीर हमें कि आपकी बॉडी में कुछ इन्फेक्शन हो रही है या कुछ अदर इश्यूज क्रिएट हो रहे हैं। मैं आपको आम भाषा में समझाती हूँ कि पीलिया होता ही क्यों है। देखिए क्या होता है कि जैसे हमारी बॉडी में रेड ब्लड सेल्स है, से खून जो बहता है, ब्लड फ्लो होता है, उसके अंदर एक पार्ट होता है आरबीसी। आरबीसी के अंदर एक पिगमेंट होता है जिसे कहते हैं बेलिरुबिन। यहाँ से सुनिएगा, बेलिरुबिन एक पिगमेंट है आरबीसी के अंदर। अब क्या होता है कि आरबीसी का जो सर्कल है, लाइफ साइकिल जो है वो 120 दिन का होता है। 120 दिन बाद में आरबीसी अपने आप को खुद डिस्ट्रॉय कर देती है। आरबीसी डिस्ट्रॉय हो गई, अब क्या होगा? आरबीसी डिस्ट्रॉय होने के बाद में लीवर जो है उसको एब्जॉर्ब कर देता है और उसके अंदर से, आरबीसी के अंदर से बेलिरुबिन का एक्सक्रीशन करता है, उसमें को बाहर निकालता है, रिलीज करता है उसमें से। और एक्सक्रीशन कहाँ करता है? इंटेस्टाइन के अंदर, आंतों के अंदर, आंत के अंदर करके करता है कि इस तरह से किसी मोशन के साथ में बाहर निकल जाए ऐसा वेस्ट। अब क्या होता है, अगर बेलिरुबिन हमारी बॉडी में, जैसे हमने बताया आपको आरबीसी के अंदर एक पिगमेंट है, तो हमारे ब्लड के अंदर फ्लो हो ही रहा है। अगर वो 1% तक है तो इट्स नॉर्मल, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर 3-4% से अबव हो जाता है, अगर उसकी मात्रा शरीर में बढ़ जाती है, तो उसकी वजह से हमें पीलिया होता है। अभी छोटा सा वो कंसेप्ट मैंने बहुत आम भाषा में समझाने की कोशिश की आपको, तो आपको समझ आ ही गया होगा कि पीलिया होता क्यों है। अब क्या होता है, इन एनी केस किसी भी पर्सन का, किसी भी इंसान का, अक्सर छोटे बच्चों के साथ होता है, उनका अगर लीवर किसी भी कारणवश पूरी तरह से काम नहीं कर रहा है, अगर लीवर में इन्फेक्शन है या फिर किसी को कैंसरस प्रॉब्लम है, चाहे नॉन कैंसरस प्रॉब्लम है, कोई भी केस हो लीवर के संबंधित, तो उस वजह से क्या होगा, लीवर हमारा फंक्शन अच्छे से नहीं करेगा। अब ऐसी जो सिचुएशन होगी, उसके अंदर वो जो बेलिरुबिन पिगमेंट है उसको रिलीज करके बाहर नहीं निकाल पाएगा, इसको एक्सक्रीशन नहीं कर पाएगा। अब जब उसका एक्सक्रीशन नहीं होगा, वो बाहर जाएगा ही नहीं आंतों के द्वारा, जिसको मल के साथ बाहर निकल जाना चाहिए, वो बाहर निकला ही नहीं, तो कहाँ इकट्ठा होगा? हमारे शरीर में इकट्ठा होगा, मतलब उसकी मात्रा बढ़ती जाएगी। अब जब उसकी मात्रा बढ़ेगी तो हमें पीलिया हो जाएगा। तो इसलिए लीवर का भी बहुत बड़ा मेन रोल है। अब इसके ये सारा कंसेप्ट तो आप आशा करती हूँ कि मैं समझ ही गए होंगे। इसके अलावा और क्या क्या कारण हो सकते हैं? तो इसके जो कुछ मुख्य कारण है वो है हेपेटाइटिस ए, बी, सी, डी, ई। अब इसमें भी हेपेटाइटिस ए और जो हेपेटाइटिस ई है वो होने का जो मेन रीज़न है वो है दूषित भोजन, दूषित पानी, दूषित हवा। क्या होता है, देखिए दूषित हवा तो आप बाहर मेट्रो सिटीज़ में चले जाइए, दिल्ली हो गए, मुंबई, चेन्नई, इस तरह से ये जो बहुत पॉपुलेटेड एरिया है ना, यहाँ पे फ्रेश एयर मिलना तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, तो इसकी वजह से भी लीवर को अफेक्ट करता है। उसके बाद क्या होता है, दूषित भोजन। अब अक्सर गर्मियों में या फिर बारिश के मौसम में बैक्टीरिया बहुत जल्दी पनपते हैं, गर्मियों में तो बहुत जल्दी भोजन ख़राब हो जाता है। अगर किसी वजह से हमने गलत खाना खा लिया या जंक फूड खा लिया, जैसे ब्रेड है, जो भी पैक्ड फूड है, काफ़ी समय से उसको बंद किया हुआ है, लेकिन बस किसी तरह से उसके अंदर बैक्टीरिया ना पनप पाए, उस तरह बस किसी जैसे आर्टिफिशियल तरीके से हमने रोका हुआ है, तो उस भोजन का अगर हम सेवन कर रहे हैं, या फिर दूषित पानी, जैसे बारिश का मौसम चल रहा है तो पानी अक्सर गंदा ही आ रहा होता है, उसको बॉयल करके नहीं पी रहे हैं, या फिटकरी से आप उसको साफ करके भी पी सकते हैं, ऐसा हम कुछ भी यूज़ नहीं कर रहे हैं और नॉर्मली उस दूषित पानी का इंटेक कर रहे हैं, उसको पानी का सेवन कर रहे हैं, तो इसके चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके अलावा और क्या क्या रीज़न हो सकते हैं, गॉल ब्लैडर में अगर स्टोन है, टाइफाइड में भी पीलिया का होना बहुत आम बात है, क्योंकि टाइफाइड में भी क्या होता है, जो रेड ब्लड सेल्स है ना बहुत जल्दी, बहुत रैपिडली ब्रेकडाउन होते हैं, बहुत जल्दी टूटते हैं। अब जैसे आपको बताया था आरबीसी के अंदर पिगमेंट है कौन सा, बेलिरुबिन का। अब जब आरबीसी टूटेगा तो बेलिरुबिन की क्या होगा, मात्रा बढ़ेगी, जब बेलिरुबिन की मात्रा बढ़ेगी तो पीलिया होना ही है, तो उस वजह से भी होता है। उसके अलावा साइरोसिस हो गया, सिकल सेल हो गया, या फिर लीवर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, चाहे इन्फेक्शन हो, चाहे लीवर में स्वेलिंग हो, या कोई भी प्रॉब्लम हो, उस वजह से
पीलिया होना बहुत ही आम बात है। अब इसके अलावा बॉडी हमें कैसे सिम्टम्स शो करती है, कैसे पता चलेगा कि पीलिया हो गया है किसी पेशेंट को, तो हालांकि जो आँखों का पोर्शन है, जो वाइट पोर्शन है, वो पीला हो जाता है, नेल्स पीले हो जाते हैं, यूरिन येलो पास आउट होता है, उसके अलावा फीवर बहुत ज़्यादा रहता है पेशेंट को, जी मचलाना, उल्टी जैसा होना, उसका वेट लॉस बहुत जल्दी होता है क्योंकि भूख नहीं लगती है, कुछ खाने की इच्छा नहीं होती है, वीकनेस बहुत ज़्यादा आ जाती है, फीवर रहता है तो सुस्त सा शरीर हो जाता है, सुस्ती आना, ये सब जो सिम्टम्स हैं बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे, वीकनेस की जैसे जॉइंट पेन भी होने लग जाता है। तो ये सारे सिम्टम्स बॉडी इंडिकेट करती है कि पेशेंट को, पर्सन को पीलिया हो चुका है। अब कहाँ तक पहुँचा है वो तो आप अपने सिम्टम्स देख के ही आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे, या फिर किसी अच्छी जगह पे आप पता कीजिए, कोई अच्छे डॉक्टर्स के साथ आप कंसल्ट कीजिए। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पे अप्रोक्स 200 प्लस वीडियोज़ है जो सारी हेल्थ रिलेटेड है। अब इसमें क्या होता है कि आप हर बीमारी को घर बैठे कैसे, छोटे मोटे इंडिकेशन जो हमारा बॉडी दे रहा है उसको समझ के आप कैसे बॉडी उस बीमारी का पता लगाएंगे, उन सब के बारे में हम आपको वीडियोज़ बना के जागरूक करते हैं। और हर बीमारी के लिए जो भी एक तरह से समझ लीजिए कि नेचुरल जो भी हम कर सकते हैं, नेचुरल जो उपाय हैं, प्राकृतिक उपाय हैं, उन सब की आपको सारी जानकारी देते हैं। तो आगे बात करते हैं कि ये सारे तो सिम्टम्स कॉजेज क्यों होता है, कैसे होता है, अब अगर हो गया है तो क्या करें। हालांकि उससे पहले क्या कर सकते हैं, प्रिकॉशंस ले सकते हैं। प्रिकॉशंस के लिए क्या क्या कर सकते हैं, हेल्दी लाइफस्टाइल जिए, हमेशा से हर वीडियो में कहते आए हैं हम, आपको रिक्वेस्ट करते हैं जंक फूड छोड़ दीजिए, पेट फूड छोड़ दीजिए, ये सब चीज़ें का सेवन नहीं करना है, हेल्दी है ही नहीं किसी भी रूप में, आपको कुछ भी इनसे मिल नहीं रहा है, आपको इवन आपका हेल्थ ही खराब हो रहा है इन सब से, तो वो सब चीज़ों को अवॉइड करना है। अल्कोहल बिल्कुल नहीं लेना है, स्मोक नहीं करना है, जो इतना फ्रेश एयर आप ले सकते हैं लीजिए, उसके लिए आप जो ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस है वो आपको करनी चाहिए। तो ये सारे छोटे मोटे प्रिकॉशंस होते हैं। अब अगर किसी को हो गया है तो उसके ट्रीटमेंट के लिए क्या कर सकते हैं, तो हमारे संस्थान जो आपको औषधियाँ उपलब्ध कराता है उसमें से है कालमेघ अर्क, रीबिल्डर अर्क और साथ में आरोग्य क्वाथ, इन सब का सेवन करके मात्र 7 से 8 दिन में एक बहुत अच्छा रिजल्ट आपको मिल सकता है। अब इसके अलावा भी अगर आप चाहते हैं कि कोई एक ऐसा होगा कि क्विक रेमेडी मिल जाए, या जिसे कुछ कहते हैं घर की रसोई में से कुछ मिल जाए, या एक प्राथमिक उपचार कह लीजिए, या फिर मैं आपको कम समझाऊँ एक नेचुरल तरीका कि किसे आप ठीक हो सकते हैं, तो उसके लिए सबसे अच्छा तरीका है आप मावे के 3 पेठे लीजिए। देखिए हम हालांकि मना करते हैं आपको मीठा नहीं खाना है, पर मावा का जो पेठा है वो आप घर पे भी बना सकते हैं। कोशिश कीजिए कि बाहर का ना ही हो, घर पे ही बनाएं, और गाय के दूध का उसको अगर रगाड़ के अच्छे से बॉइल करके फिर आप मावा बना रहे तो और भी अच्छी बात है। तो क्या करना है, 3 पेठे लेने हैं, छोटे छोटे से साइज के, और सूर्य उदय से पहले, ध्यान रखिएगा हर पॉइंट को ध्यान से सुनिएगा, सूर्य उदय से पहले जो आँख होता है, आंकड़े जो होते हैं, सफ़ेद आँख अगर आप लेते हैं तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है। आँख के जो फूल होते हैं ना उसके बीच में एक फिनिशिंग होती है, बिल्कुल छोटा सा पार्ट होता है, उसके छोटे छोटे टुकड़े कर दीजिए, सिर्फ बीच का पार्ट लेना है, पूरा फूल नहीं लेना है, बीच के पार्ट को बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़े करने हैं, और जो आपने पेठा लिया था उसके अंदर छोटा सा दबा के उसके अंदर उसको फिल कर दीजिए और उसको वापस क्लोज कर दीजिए। अब आप चबा के खा सकते हैं तो ठीक है, अदरवाइज उसको स्वेलो कर दीजिए, उसको निकल दीजिए। अब इसमें क्या ध्यान रखना है, एक तो आँख जो हम लेंगे वो सुबह ही तोड़ना है, सूर्य उदय से पूर्व तोड़ना है, उसके अंदर पेठे के अंदर डालना है, और जो उसको निगल रहे हैं ना वो भी सूर्य उदय से पूर्व होना चाहिए। देखिए बिल्कुल सूर्योदय नहीं होना चाहिए, 4-4:30 बजे तक अगर आप लेते हैं सुबह के तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है। अब कितनी बार लेना है, ये 3 बार लेना है, आज ले लिया, नेक्स्ट डे मॉर्निंग, उससे अगले दिन मॉर्निंग, 3 दिन अगर आप इसका सेवन करते हैं ना तो पीलिया आपका पूर्ण रूप से ठीक हो जाएगा। ये सबसे नेचुरल तरीका है, आप इसे आजमा के देख सकते हैं। इसके अलावा भी कहीं कोई स्वास्थ्य संबंधित प्रश्न है, आप हमारे संस्थान में ये प्रश्न कर सकते हैं, हमारे संस्थान में संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, जय गौ माता, वंदे मातरम। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और जितना हो सके अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, ताकि हर व्यक्ति को जो भी छोटी मोटी रोग है, छोटी मोटी दिक्कतें हैं, उसका ट्रीटमेंट अपने आप घर पर कैसे किया जा सकता है उसकी जानकारी मिल सके। धन्यवाद।